डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार फिर से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में प्रेजेंट हैं एंड टुडे वी विल स्टडी आवर चैप्टर सेकंड पेज नंबर 6. ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक पेज नंबर 6. व्हाट इज द टाइटल ऑफ पेज नंबर व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर चैप्टर सेकंड? नाउन. नाउन नेमिंग वर्ड्स. जैसा कि इस चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि हमें पढ़ना है नाउन और नाउन होते क्या हैं. नाउन के बाद आपको देखिए क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नेमिंग वर्ड्स. नाउन या नेमिंग वर्ड्स जिसको हिंदी में बोलते हैं नाम वाले शब्द, संज्ञा कहलाते हैं. अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन वो होता है जो किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी जानवर या किसी सामान के नाम को नाम कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ऑलवेज ये लाइन आपको लग होनी चाहिए. ओके, डेफिनेशन क्या है नाउन की? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेम ऑफ पर्सन. बात आई नेम ऑफ पर्सन की तो कुछ नेमिंग वर्ड्स नेम ऑफ पर्सन में क्या अपनी बुक में लिखी हैं, तो जैसे मैन, पिग, वुमन, ये सब क्या है नेम ऑफ पर्सन. बॉय, गर्ल, नर्स, ये सब क्या है नेम ऑफ पर्सन. ओके, सेकेंड हम आते हैं नेक्स्ट क्या आता है पर्सन के बाद, एनिमल. नेम ऑफ एनिमल्स, नेमिंग वर्ड्स फॉर एनिमल्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि लायन, टाइगर और फॉक्स, काउ, डॉग, ये सब क्या हो गया नेम ऑफ एनिमल्स. देन नेम ऑफ प्लेस, जगह के नाम. जगह के नाम जैसे फॉरेस्ट है ना, स्कूल, टेंपल, क्या हो गया नेम ऑफ प्लेस हो गया, चर्च. ठीक है, ये सब क्या है, क्या आपने बोला सिटी, डिस्ट्रिक्ट. इस तरह से आपका ये चैप्टर डिफाइन हो गया.
एनी डाउट, अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई डाउट है कि क्या इस चीज का नाम नाउन है या नहीं है, जो भी क्वेरी आपके माइंड में आए आप उसे पूछो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग